हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक्सीलरेटर सीरीज में। बच्चों आइए देखते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट हमारा क्या है। कुछ कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि आज हम किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों स्टूडेंट, एक बहुत ही सुपर कॉन्सेप्ट हम आपको बताने वाले हैं। ये सुपर कॉन्सेप्ट है कूलम्स लॉ में इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को लेकर। कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और उन प्रॉब्लम्स में हमसे सिस्टम के इक्विलिब्रियम के बारे में बच्चों पूछा जाता है। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में हमें उसी इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट की बात करनी है। मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है? चलिए ध्यान से हमारी बात को आप सुनिएगा स्टूडेंट। देखिए बच्चों, कॉन्सेप्ट हमारे पास में कुछ ऐसा है स्टूडेंट। कॉन्सेप्ट हमारे पास में कुछ इस तरीके का है। एक चार्ज हमें दिया गया है जिसकी वैल्यू है +Q1, ओके? अनदर चार्ज हम लोगों को स्टूडेंट दिया है जिसकी वैल्यू है हमारे पास में +Q2। एक चार्ज हमारे पास में है बच्चों +Q1 और दूसरा चार्ज हमारे पास में है +Q2। इनके बीच की सेपरेशन हम लोगों को दी गई है d। अब होता क्या है बच्चों, दोनों चार्ज मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर रिपल्शन करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। प्रॉब्लम के अंदर या कॉन्सेप्ट के अंदर हमें ये कहा गया है कि इनके बीच में हम लोगों को कहीं पर तीसरे चार्ज को रखना है। इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हमें थर्ड चार्ज को प्लेस्ड करना है स्टूडेंट, जिससे कि पूरा सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में बना रहे। बच्चों समझ पा रहे हैं हम मेरी बात को? कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का है कि पूरा सिस्टम हम लोगों को दिया गया है। इस पूरे सिस्टम में थर्ड चार्ज को हमें कहीं पर प्लेस्ड करना है जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। बच्चों देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। इसी रिपल्शन को रोकने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैंने थर्ड चार्ज को यहाँ प्लेस्ड किया है स्टूडेंट। और इस थर्ड चार्ज की जो वैल्यू रहने वाली है, सुपर कॉन्सेप्ट हमारे पास में यही है बच्चों। सुपर ट्रिक कह लीजिए या एक सुपर फॉर्मूला कह लीजिए, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हमारे पास में ये है। माइनस फर्स्ट चार्ज Q1, सेकेंड चार्ज Q2, और नीचे हमारे पास में आने वाला है अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम इस प्रॉब्लम को बच्चों बनाने वाले हैं। यानी अगर दोनों के बीच में काम करने वाले रिपल्शन को हमें खत्म करके पूरे सिस्टम को स्टेबल करना है, तो इन दोनों के बीच में कहीं पर हमें तीसरा चार्ज रखना पड़ेगा जिसकी वैल्यू इतनी होगी बच्चों, माइनस Q1 Q2 अपॉन अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर। ये हमारी थर्ड चार्ज की वैल्यू है जो किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इनफ है बच्चों, ओके? चलिए हम लोग जानते हैं इसके ऊपर एक छोटी सी प्रॉब्लम को बच्चों। चलिए एग्जाम्पल स्टूडेंट हम देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट चार्ज प्लस क्यू, ओके स्टूडेंट? सेकेंड चार्ज प्लस क्यू सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस अपार्ट। देखिए दोनों की वैल्यू जो है ना सेम है बच्चों, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है। दोनों को हमने सर्टेन हल्की सी डिस्टेंस पर रखा हुआ है। अब प्रॉब्लम बिल्कुल वही है कि बताइए इनके बीच में थर्ड चार्ज आप कहाँ रखने वाले हैं और उसकी वैल्यू क्या होने वाली है जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अरे भाई, अभी तो कॉन्सेप्ट बताया हमने आपको, अभी तो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है कि थर्ड चार्ज की जो वैल्यू होनी चाहिए वो इतनी होनी चाहिए। यानी ये जो कैपिटल क्यू है ये काम करेगा बच्चों Q1 का, ये जो कैपिटल क्यू है ये काम करने वाला है स्टूडेंट Q2 का, और ये जो बीच में आप वैल्यू पुट करेंगे ना स्मॉल क्यू, इसकी वैल्यू रहेगी स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस। देखो फॉर्मूला आपके पास में ये है, Q1 का काम कौन कर रहा है? क्यू। तो हम रखेंगे क्यू इंटू क्यू अंडर रूट क्यू प्लस अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर। हमारे पास में बनेगा माइनस के क्यू स्क्वायर टू अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर। सो स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर फोर अंडर रूट क्यू एंड द फाइनल आंसर इज माइनस के क्यू बाय फोर। ये वैल्यू मेरे पास में रहने वाली है बच्चों। अगर पूरे सिस्टम को आपको इक्विलिब्रियम में लेकर आना है
पूरे सिस्टम को अगर आपको इक्विलिब्रियम में लेकर आना है बच्चों, तो ध्यान से हमारी बात को सुनिए, आपको इतना चार्ज वहां पर रखना पड़ेगा। ये कंडीशन आपके पास में आएगी बच्चों, और चार्ज को कैलकुलेट करने का तरीका हमारे पास में ये है। उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे। एक और एग्जाम्पल की हम इसके ऊपर अगर बात करें स्टूडेंट, देखिए एक चार्ज हम लोगों को दिया गया है प्लस क्यू, और सेकंड चार्ज हम लोगों को दिया गया है प्लस फोर क्यू। अब दोनों चार्ज, एक प्लस क्यू है एक प्लस फोर क्यू है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हमें इस रिपल्शन को खत्म करना है। अगर रिपल्शन को खत्म करना है तो एक तीसरे चार्ज को इनके बीच में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा बच्चों। तो रिपल्शन को खत्म करने के लिए हमने एक तीसरे चार्ज को इनके बीच में इंट्रोड्यूस कराया स्टूडेंट, और उस तीसरे चार्ज को जो हमने इनके बीच में इंट्रोड्यूस कराया है बच्चों, उसकी वैल्यू है स्मॉल क्यू। आइए देखते हैं कि स्मॉल क्यू कितना रहने वाला है। ये वाला जो चार्ज है स्टूडेंट, ये कहलाएगा क्यू वन। ये जो चार्ज अपने पास में है, ये कहलाएगा क्यू टू। अगर पूरे सिस्टम को आप इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं बच्चों, तो हम लोगों को स्मॉल क्यू की वैल्यू इतनी रखनी पड़ेगी, माइनस क्यू वन क्यू टू अंडर रूट क्यू वन प्लस क्यू टू का होल स्क्वायर। भाई माइनस इसलिए रखते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में काम कर रहा है रिपल्शन, और अगर ये माइनस होगा तो इसके और इसके बीच में अट्रैक्शन काम करेगा, और यहाँ अट्रैक्शन काम करेगा, रिपल्शन अट्रैक्शन को बैलेंस कर लेगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हमारा बना रहेगा बच्चों। आइए और सीधा वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा अपने पास में। माइनस क्यू वन की वैल्यू स्टूडेंट रहेगी क्यू, क्यू टू की वैल्यू रहेगी फोर क्यू, यहाँ रहने वाला है अंडर रूट क्यू, और यहाँ रहने वाला है अंडर रूट फोर क्यू का होल स्क्वायर। अब आप देखिए बच्चों, स्मॉल क्यू इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास में बनेगा फोर क्यू स्क्वायर, ये बनेगा अंडर रूट क्यू, फोर अंडर रूट क्यू यानी थ्री अंडर रूट क्यू का होल स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज माइनस के फोर अपॉन नाइन इंटू क्यू, यानी थर्ड चार्ज की वैल्यू को इतना रखना पड़ेगा स्टूडेंट। हम लोगों को इनके बीच में जो चार्ज रखना है ना बच्चों, उसकी वैल्यू को हमें इतना रखना पड़ेगा। अगर पूरे सिस्टम को मुझे इक्विलिब्रियम में लेकर आना है, तो मुझे उम्मीद है कि ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आप ज़रूर समझे होंगे। कॉन्सेप्ट स्टूडेंट हमारे पास में ये है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में रिपल्शन काम कर रहा है। अगर पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है, इक्विलिब्रियम में लेकर आना है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में हमें कहीं पर एक तीसरा चार्ज इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, और पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए थर्ड चार्ज की वैल्यू हमारी ये होने वाली है स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर वन इसके ऊपर ये है, और एग्जाम्पल नंबर टू हमारे पास में इसके ऊपर ये है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है बच्चों, और फटाफट वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करिएगा आप लोग। प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट, एक चार्ज है अपने पास में प्लस के फोर क्यू, और एक चार्ज है अपने पास में प्लस के नाइन क्यू। ठीक है, देखो प्लस फोर क्यू प्लस नाइन क्यू दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। आपको बताना है कि इनके बीच में थर्ड चार्ज जो हमें प्लेस करना है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में बना रहे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बच्चों आप लोगों को मेंशन करना है, आप लोग इस प्रॉब्लम का आंसर बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा, और आप हमारी इस एक्सेलरेटर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे बच्चों। जो भी आपका सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।